वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक का इकाई एक का छठा पार्ट। तो ये जो है हमारा पोयम है, एक्चुअली पद में है, आता है ये गिरिधर नागर। तो ये जो रचना की गई है, ये रचनाकार इसके है संत मीराबाई। तो संत मीराबाई की लिखा हुआ ये है, उनका परिचय पहले दिया गया है संत मीराबाई का, तो वो हम पहले देख लेंगे। ये देखिए, तो संत मीराबाई के बारे में पता होना चाहिए, ये सबसे फेमस वुमेन सेंट है, लेडी सेंट है। तो इनका इनका जन्म हुआ था 1516 जोधपुर राजस्थान में, और इनकी मृत्यु हुई 1546 में द्वारिका गुजरात में। इनका परिचय दिया गया है, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। कृष्ण भक्ति के ऊपर ही उनके सारे जो रचनाएं है वो सारी कृष्ण भक्ति से प्रेरित है। बाद में ग्रह त्याग, ग्रह मतलब घर, घर का त्याग मतलब ग्रह त्याग करके, मतलब जो वर्ल्डली लाइफ है या जो फैमिली लाइफ है उसका त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओत प्रोत है, मतलब उससे लिपटे हुए है। माधुर्य भाव, मधुर भाव, स्वीट स्वीट फीलिंग्स बोल सकते, भावनाएं जो है, तो माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो उनके जितने भी लेख है, पद है, उन सब में प्रेम प्रेम दर्शाया जाता है समान रूप से। हर एक में उनकी जो तल्लीनता, मतलब इतना इंटेंस प्रेम जो है वो दिखाया जाता है। प्रमुख कृतियां क्या है उनकी, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ये आदि मतलब एक्सेट्रा, ये सारी इनकी प्रमुख कृतियां है जो इन्होंने रचनाएं की है, लिखा है। फिर पद्य संबंधी जो हमारा गिरिधर नागर पद्य है, इसके संबंधी जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य की के प्रति ही समर्पित है। आराध्य मतलब उनकी आराधना, उनका जो डिवोशन था, डिवोशन फॉर कृष्ण, कृष्ण भगवान, तो उनके प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है, मतलब मेन उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो पार्ट है वो है भगवत प्रेम। तो भगवत यहाँ पे कृष्ण भगवान को ही कहा जा रहा है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। उत्सुकता मतलब ईगरनेस, मिलन मतलब मिलते हैं जब, मीटिंग होती है, आशा मतलब होप, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, वेट। तो ये सारे भाव, ये सारी जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे इस पद में पाई जाती है। अनुपम का मतलब होता है अनोखा, मतलब अनपैरेलल्ड, इसके जैसा कोई नहीं हो, जैसा यूनिक। तो ये सारी जो है ये भावनाएं यहाँ पे यूनिकली प्रेजेंट की गई। तो अब पोयम शुरू करते हैं। गिरिधर नागर, तो टाइटल का भी क्या मतलब है, गिरि का मतलब होता है एक्चुअली माउंटेन, पर्वत, और धर मतलब धरना, मतलब के पकड़ना, तो माउंटेन होल्डर, गिरिधर का मतलब होता है माउंटेन होल्डर। और ये किसका नाम है, ये कृष्ण भगवान का नाम है, मतलब कि जो कृष्ण भगवान थे वो भेड़ चराते थे, मतलब शीप को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते थे, वो एक शेफर्ड थे। तो गिरिधर जो है माउंटेन्स पे जाते थे वो भेड़ चराने के लिए, तो उनका नाम ये है गिरिधर। गिरिधर मतलब कि कृष्ण भगवान। नागर मतलब जैसे हम कहते हैं नगर पालिका, नगर मतलब के सिविल, मतलब एक जगह के रहने वाला, नागरिक जैसे हम कहते हैं, हम नागरिक है, मतलब एक नगर के रहने वाले, तो वो गिरिधर नागर मतलब वहां के नागरिक ऐसे। तो ये गिरिधर नागर जो है ये कृष्ण भगवान का ही नाम है। तो यहाँ शुरू होती है हमारी जो हमारा पद है तीन पार्ट्स में। पहला पार्ट ये रहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ओ न कोई। अब ये जो भाषा है ये आप देख सकते हो ये हिंदी भाषा नहीं है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। वो राजस्थान के थे हमने देखा संत मीराबाई, तो ये ब्रज भाषा वहाँ की होती है उस एरिया की, तो वहाँ की ये भाषा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ये तो हमको समझ में आता है, मेरे तो मतलब मेरे तो है गिरधर गोपाल, मतलब वो जैसे हमने देखा कृष्ण भगवान की भक्त थी, उन्होंने ऐसे भी कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति से ही शादी कर ली थी और उन्हें अपना पति मानती थी। तो वो कह रहे मेरे तो, संत मीराबाई कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब मेरे तो यही है कृष्ण भगवान ही है, तो उनके दूसरे नाम जो आ रहे हैं यहाँ पे वही देखो गिरधर गोपाल, तो ये गिरधर गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, ये उनके ही दूसरे नाम है। दूसरों ना कोई मतलब दूसरा और कोई नहीं है।
जाके सिर मोर मुकट। जाके मतलब यहाँ पे ये जो ब्रज भाषा में लिखा गया, तो जाके का मतलब होता है जिसके, जिसके सिर मोर मुकट, मुकट मतलब क्राउन, मुकुट कहते हैं हम जैसे। तो ये जो है मतलब जिनके सिर पर मोर मुकुट है। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान की कोई भी पिक्चर होती है तो उसमें उनके सिर पे मोर पंख लगा होता है, तो वो मोर मुकुट, तो वो उनके बारे में डिस्क्राइब करिए कि गिरधर गोपाल वो जिनके सिर मोर मुकुट है। मेरा पति सोई, मतलब मेरा पति वही है, वो मेरे पति है। तो वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। ये देखिए कोई भी आप कृष्ण भगवान की कोई भी इमेज देखोगे तो उसमें ये मोर पंख होता है उनके सिर पे, है ना, यहाँ पे भी है ये देखो। तो ये एक मेन निशानी है। तो वो वही संत मीराबाई कह रही है, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। आगे है, छानी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। अब ये पूरा कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये भाषा जो है ये हिंदी भाषा नहीं है, ये ब्रज भाषा है। इट्स अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, हिंदी से ही डिराइव, मतलब हिंदी से रिलेटेड है पर एग्जैक्टली हिंदी नहीं है। तो ये देखिए, छांडी, छांडी मतलब छोड़ी, तो छोड़ी दई, दई का मतलब है यहाँ पे दी, छोड़ दी कुल, मतलब क्या छोड़ दिया, कुल, कुल मतलब के कुल जो कहते हैं वंश, घराना। तो ये एक्चुअली ये जो मैंने ऑरेंज में किया, ये एक्चुअली यहाँ पे आपके टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में पोएम के बाद यहाँ पद के बाद नीचे मीनिंग्स दिए गए, वो मीनिंग्स है। तो ये मीनिंग्स तो आपकी बुक में ही दिए गए, इसलिए इसको अलग कलर किया है मैंने। तो छांडी दई कुल, कुल मतलब वंश, घराना, जो क्लैन होता है, जो फैमिली होती है। तो उसकी कुल की कानी, कानी का मतलब है मर्यादा, लिमिट, तो वो जो मर्यादा होती है वो मैंने छोड़ दी। छांडी दई कुल की कानी, लिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे। और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कहा करी है कोई, कहा मतलब क्या, करी है मतलब क्या करे कोई, ऐसा बोल रहे हो, क्या करे कोई, मतलब वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी और उनका, उनके ये व्यवहार से उनका कुल जो था वो खुश नहीं था। एक्चुअली उनकी शादी कर दी गई थी, उन्होंने बचपन में ही कृष्ण भगवान की मूर्ति से शादी कर ली थी ऐसा कहा जाता है, और उनको ही अपना पति मानती थी। पर बाद में उनकी शादी एक्चुअली जो घराने में की गई तो वो घराने में शिव पूजा होती थी, तो उनको कृष्ण भगवान से ये लगाव था, वो वही करना चाहती थी, उनके फैमिली चाहती थी जो जहाँ शादी करके गई थी कि वो वहाँ पे जो शिव भगवान की भी पूजा करे, पर वो कृष्ण लीन ही थी, तो इसलिए उनको उनको वो मर्यादा भी छोड़नी पड़ी, कुल की भी वो नहीं सुनती थी। उनको बिछाड़ दई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, मतलब क्या करे कोई, तो ये भी कुल की मर्यादा को भी मैंने लांग दी। संतन धिग बैठी बैठी, संतन मतलब संत, जो संत होते हैं सेंट्स, उनके ढिग, ढिग का भी मीनिंग आपके टेक्स्ट में दिया गया है पीछे, तो ढिग मतलब पास, निकट, मतलब उनके पास, संतों के पास बैठी बैठी, लोक लाज खोई, लाज मतलब शर्म जो होती है ना, शर्म हया जो हम कहते हैं, तो लाज भी, शेम भी उन्होंने, जो लोक, लोक मतलब लोग, तो जो लोक में लाज मतलब लोगों में शर्म रखना चाहिए, जब हम पब्लिक में जाते तो ऐसे शर्म शर्म होनी चाहिए लेडीज को, स्पेशली उन टाइम्स में कहा जाता था, तो वो तो संतों के साथ बैठती थी और भक्ति करती थी, तो उन्होंने संत धिग बैठी बैठी लोक लाज भी खो दी। ऐसे अंशुवन जल सिंची, अंशुवन मतलब के आंसू, अश्रु, तो आंसू, टीयर्स, जल मतलब आंसू के जल से, पानी से मैंने सींचा है, जैसे हम पेड़ को, पौधों को सींचते हैं, मतलब पौधों को पानी देते, तो अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम मतलब प्यार की बेल, बेल मतलब जैसे हम देखते हैं ना क्लाइंबर्स होते हैं, बेल लगाते हैं, मनी प्लांट का बेल होता है या ग्रेप्स की प्लांट होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, तो उसकी बेल होती है, तो ये जो बेल होती है जो, तो वो प्रेम की बेल उन्होंने बोई है, जो हम बीज बोते हैं तो ये सो किया उन्होंने, तो आंसुओं से प्रेम की बेल को मतलब
बोया है और उसको अपने आंसू से सींच रही है, उसको आंसू से पानी दे रही है वो। अब तो बेल फैल गई, मतलब अब तो ये बेल ग्रो हो गई है, फैल गई है। आनंद फल होई, आनंद मतलब आनंद, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के फल अभी हो गए, तो वो ये कह रही है। इतनी उनकी जो कृष्ण प्रेम था वो उन्होंने इतना उनका बढ़ गया है कि अब तो उनको आनंद फल मिलेंगे। दूध की मठनिया बड़े प्रेम से बिलोई। तो कृष्ण भगवान का और एक इंडिकेशन है, हमेशा कृष्ण भगवान का जो इमेज होता है वो ये दूध की मठनी, मतलब दूध जो है, दूध से जिसमें से बटर बनाते, मस्का बनाते, तो वो मठनी होती है। तो मठनी का मीनिंग भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, मठनिया मतलब मठनी, दही मठने का साधन, योगर्ट चर्नर मतलब, तो वो जो दही मठते है वो इमेज भी आपने देखा होगा, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते, तो उससे दूध से दही बनती है ना, बाकी की छाछ रहती है, मक्खन बनता है। तो ये जो जैसे कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है, तो मक्खन वो बहुत उनको पसंद था। तो ये जो है दूध की मठनियां जो वो उन्होंने, संत मीराबाई कहती है कि वो उन्होंने बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई का मतलब वही है चर्न करना, जो वो मठनी चर्न करते, जो ऐसे घुमाते ताकि दूध से मक्खन बने, तो वही वो कह रहे कि उन्होंने वो बड़े प्रेम से किया है। हम मठनी भी देख लेंगे, ये ऐसे एक पॉट होता है और इसको ऐसे गोल गोल घुमाते, दो हाथ से इसको खींचते, तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगी, लेफ्ट राइट ये जाएगा, टर्न होते रहेगा, तो इसके अंदर जो बटर मिल्क है मतलब दूध जो है उससे छाछ और दही बनेगी और मक्खन बनेगा। तो ये तो इससे ऐसे आगे पीछे किया जाता है, ये है मठनी, ऐसे ये धागे से इसको गोल गोल फिराया जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, दूध की मठनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब दूध की मठनी को मैंने बड़े प्रेम से उसको चर्न किया। माखन जब काढ़ी, अब उसमें से जब बटर निकला है, काढ़ी लियो मतलब जब निकाल लिया, माखन बटर जब निकाल लिया, काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई, तो छाछ कौन पिएगा फिर, जब मक्खन ही पूरा मिल गया है तो अब छाछ कौन पिएगा, छाछ पिए कोई, ऐसे छाछ मतलब बटर मिल्क, जो बाकी का जो पानी बचता है, जो छाछ बचती है, तो वही वो कह रही है कि मुझे मतलब इतना प्रेम मिला है, तो माखन जब मिल गया है मुझको, तो छाछ को कौन देखेगा। भगत तेरी, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, मतलब भगत को देख के यहाँ पे, मतलब जो भगत मतलब कि यहाँ जो भक्त होते, जो भक्त होते फॉलोअर्स होते उनको भगत बोलते, तो भगत को देख के वो बोल रहे मैं राजी हुई, मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुई। जगत देखी रोई, मतलब जग को देख के, बाकी पूरे जग को देख के मुझे रोना आया। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोहि, मतलब कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, मीरा भाई कह रही है कृष्ण भगवान से कि मैं आपकी दासी हूँ, मेड सर्वेंट, जैसे आपकी गुलाम हूँ, दासी हूँ। लाल गिरिधर मतलब गिरिधर लाल जैसे बोलते, तो उल्टा लिखा हुआ है गिरिधर लाल, तो प्यार से ऐसे प्रेम से कहा जाता है ना गिरिधर लाल। तो दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, मतलब आपका अब मेरा जो मोह है, प्यार है, वो सब आपके लिए, तारो अब मोही, तो मोह मतलब प्रेम, लव। तो ये वो कह रही, तो ये यहाँ पे अपना वो प्रेम दिखा रही है कृष्ण भगवान के लिए। फिर दूसरा पार्ट जो है पोएम का वो है, हरि बिन कोण गति मेरी, मतलब हरि मतलब कृष्ण भगवान को हरि भी कहते हैं, तो हरि इज अनदर नेम फॉर भगवान कृष्ण, तो हरि का मतलब है कृष्ण, कोण मतलब कौन, गति मतलब आश्रय शेल्टर, तो हरि बिन मतलब भगवान बिन, कृष्ण भगवान बिन कौन गति है मेरी, गति मतलब कौन मुझे आश्रय देगा, कौन मेरा आश्रय बनेगा, कौन मेरे लिए शेल्टर लाएगा, तो मतलब आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मुझे अपने शरण में ले लो। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाला, मतलब पालने वाला, तो तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, मतलब कहते हैं कि मैं आपकी, मैं कहती हूँ मैं आपकी क्या हूँ, रावरी मतलब, रावरी का मीनिंग भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पीछे, मतलब रावरी मतलब आपकी, मैं आपकी चेरी, चेरी का मतलब चेली, दासी, तो यहाँ दासी भी उन्होंने पहले भी बोला दासी मीरा, यहाँ पे भी वो कह रहे चेरी, चेरी मतलब चेली दासी, तो ये चेली है, भगत है, भक्त मतलब भी फॉलोअर्स है ना, तो ये चेली भक्त, ये सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है। तो तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेली, तो
तुम मेरे पति प्रतिपाल है, आप मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी चेली हूं, आपकी दासी हूं। आदि अंत, इसका क्या मतलब है? आदि मतलब पहले, अंत मतलब एंड, मतलब पहले से लेके अंत तक, एंड तक। निज नाव तेरो हिमियो हिमायो फेरी, मतलब क्या हुआ? अभी पहले से लेके अंत तक। निज मतलब निजी, जैसे हम बोलते हैं ना, ये निजी मामला है, मतलब पर्सनल मैटर है। तो निज मतलब आपका पर्सनल, नाव नाव मतलब नाम, है ना। निज नाव तेरो मतलब आपका जो नाम है, तेरो हिमायो हिमायो फेरी मतलब मैं आपका नाम लेते लेते लगाती हूँ फेरी। फेरी लगाना मतलब राउंड्स लगाना, मतलब वो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि वो टेम्पल्स में से टेम्पल टू टेम्पल जगह जगह घूमती रहती थी और जो है अपनी संत संत थी वो, तो अपनी पद ये सब जो रचना है वो सुनाती थी। तो ये वही लिखा है कि शुरू से लेके, बिफोर से लेके अंत तक आपका नाम लेके मैं जो है घूमती हूँ, लगाती हूँ फेरी। बेर बेर, बेर बेर मतलब बार बार, बेर मतलब बार बार। तो बेर बेर पुकार कहूँ, मतलब मैं बार बार पुकारती हूँ, कहती हूँ प्रभु आरती है तेरी। मतलब आरती, यहाँ पे आरती का मतलब है तीव्र इच्छा, मतलब इंटेंस डिजायर, मतलब उनको प्रभु की इंटेंस डिजायर, उनसे मिलना चाहती है। तो जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखा कि यहाँ पे वो उत्सुकता झलक आती है, झलकती है ये पद में, तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, मतलब ये जो संसार है, यो मतलब ये संसार जो है, ये दुनिया जो है विकार है। विकार मतलब विकार, तो वो हो जाता है वो विकार। विकार मतलब के डिसऑर्डर, ये पूरा संसार जो डिसऑर्डर में, सब तो उथल पुथल है। यहाँ पे सागर बीच में घेरी, मैं सागर के बीच में घेरी हुई हूँ, ठीक है। नाव फाटी, तो सागर के बीच में है, मतलब ये संसार के सागर के बीच में हम घिरे हुए, हम पूरे संसार से घिरे हुए, और हमारी जो नाव है फाटी, मतलब फट गए, मतलब के नाव में छेद हो गया। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, मतलब क्या हुआ? नाव फट गई है, अब प्रभु, वो फिर से प्रभु को पुकार रही है, पाल बांधो। पाल मतलब जो सेल, नाव का जो सेल होता है ना, कपड़ा होता है, तो पाल उसे कहते हैं। तो पाल बांधो मतलब ये सेल को बांधो। बूढ़त, बूढ़त मतलब डूब रहा है, डूबता है बेरी। बेरी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बेड़ा पाल लगा दो, बेड़ा पाल, वो बेड़ी मतलब, बेड़ा मतलब एक्चुअली होता है बोट, बेड़ा का मतलब ही बोट होता है, तो वो कहने का मुहावरा है बेड़ा पार लगाना। तो वो यहाँ पे वो कह रही है कि इस सागर, इस संसार के सागर के बीच में घिर गई हूँ, मेरी नाव फट गई है, नाव में छेद है, और अब मुझे मेरा पाल बांधो, मुझे मेरा बेड़ा पार करो, ऐसे पाल बांधो। बूढ़त है बेड़ी मतलब कि मेरी नाव डूब रही है, बूढ़त मतलब डूबना। बिरहड़ी पिबकी बाट जय वो राख लियो नेरी, है ना। इसका एक एक वर्ड का मीनिंग हमको चाहिए, क्योंकि ये हिंदी नहीं है, ये ब्रज भाषा है, हिंदी का एक डायलेक्ट है, प्योर हिंदी जो हम सीखते वो नहीं है। बिरहणी का मतलब विरहिणी होता है, विरहिणी कहते हैं। विरहिणी का मतलब होता है कि प्रिय से बिछड़ी हुई नायिका, तो योगिनी को भी कहते हैं बिरहिणी, मतलब के जो जिनसे उनको प्रेम है उनसे बिछड़ी हुई है, तो जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनको बिरहिणी ऐसे कहा जाता है, बिरहिणी। तो बिरहणी मतलब जो संत मीराबाई है वो बिरहणी है। बिरहणी पिवकी, पिवकी मतलब आपकी, मतलब मैं आपकी बिरहणी हूँ। बाट, बाट मतलब वाट, वाट मतलब ये थोड़ा हम देख रहे कि मराठी का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है ना। बाट, बाट मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना, बाट देखना। तो बिरहणी पिवकी बाट जोवे मतलब बाट जोवे, ये एक्चुअली यहाँ पे हम वाट, इधर गुजराती बोलते हैं वाट जो, मीत वाट जोती है ना, तो वाट मतलब वाट जोना मतलब राह देखना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बिरहणी पिबकी, मैं आपकी बिरहणी हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा मतलब आपको, आपकी राह देख रही हूँ। राख लियो नेरी मतलब मुझे रख लो पास, नेरी का मीनिंग भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, नेरी का मतलब ये पास निकट, और एक वर्ड था जिसका मतलब पास निकट था, वो ये था ढिग, संतन ढिग, ढिग का मतलब भी था पास निकट, और ये आया और एक वर्ड, सिमिलर वर्ड नेरी। तो बिरहणी पिबकी बाट जौवे राख लियो नेरी मतलब आपकी बिरहणी आपकी राह देख रही हो, देख रही है, और आप इसको रख लो अपने पास निकट, मुझे रख लो ऐसे। दासी मीरा राम रटत है,
मैं शरण हूं तेरी, मतलब मैं आपकी दासी हूं मीरा, और आपका जो है राम रटत है, मतलब आपका नाम जो है वो रट रट रही हूँ, और मैं शरण हूँ तेरी, मतलब शरण भी वापस, शरण मतलब होता है शेल्टर, जो आश्रय हमने पहले भी देखा यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन में ही था, ये गति मतलब आश्रय शेल्टर, तो वही बोल रहे हरी बिन कौन गति मेरी, मेरा कौन शेल्टर है, यहाँ पे वही कह रहे कि मुझे अपने शेल्टर में ले लो, तो वही कहा जा रहा है दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। फिर तीसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे है, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रहे, फागुन मतलब फाल्गुन जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, मार्च में अराउंड ये आता है फाल्गुन महीना, जब ऋतु जो होती है बसंत ऋतु होती है, हमने मन जो प्रीवियस पूरक कथन पद था उसमें भी हमने देखा फागुन और बसंत की बात हुई थी, तो फागुन के दिन मार्च के महीने में फिर होली का फेस्टिवल आता है, तो फागुन के दिन चार मतलब ये जो बसंत ऋतु है स्प्रिंग सीजन है उसके दिन चार दिन होते हैं, मतलब चार दिन की ये जो है हमारे जीवन में भी बसंत ऋतु आती है, तो खेल मना रहे होरी खेल मना रहे, तो वो टाइम हमें खुल के जीना चाहिए, वो कह रहे फागुन के दिन चार होरी मतलब होली खेल मना रहे, मतलब ये हम खेल जो करते होली का खेल जो ये फेस्टिवल है उसे हम मनाएंगे, बिन करताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे, मतलब क्या हुआ इधर ये कि बिना करताल, करताल एक्चुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंबल कहते हैं इसको, ऐसे हाथ से बजाते हैं, और पखावज भी, पंखावज जो होता है ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ड्रम की तरह, दोनों को हम देखेंगे, तो इनके बिना भी मतलब बिन करताल पखावज बाजे अणहद, अणहद मतलब अलहड़ जैसे, तो हैप्पीनेस जो केयर फ्री हैप्पीनेस होते हैं, तो अणहद की झंकार बजती है, तो होली के टाइम में मतलब ये ऐसे जो है हैप्पीनेस फैली हुई होती है एटमोसफियर में, तो ये है बिन सुर राग, मतलब बिना सुर लगाए बिना राग के छत्तीसू, छत्तीसू का भी मीनिंग आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया, छत्तीसू का मीनिंग है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छा उत्तम है ना, उत्तम गावे बिन सुर राग छत्तीसू गावे, मतलब बिना सुर राग के भी बिना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के भी एकदम श्रेष्ठ गाना गाया जाता है, और रोम रोम रणकार रे, रणकार मतलब ललकार की तरफ, मतलब रोम रोम आपको पुकार रही है, तो ये संत मीराबाई कह रही है यहाँ पे, हम ये करताल और पखावज देखेंगे, ये देखिए ये करताल है ना, इसको ऐसे हाथ से बजाया जाता है करताल, तो ये ऐसे बजाते, और पखावज जो होता है ये एक ड्रम की तरह होता है, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्रम्स होते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ ड्रम है पखावज, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, बिन करताल पखावज बाजे अरहंड की झनकार रे, मतलब वो झनकार जो आवाज है वो आनंद की ऐसे झनकार आ रही है, और बिन सुर राग एकदम उत्तम श्रेष्ठ गावे रोम रोम रणकार रे, मतलब रोम रोम बुला रही है ललकार रही है, मतलब भगवान को पुकार रही है, सील संतोख की केसर घोली, अब ये होली सीजन की बात कर, होली फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो सील सील मतलब कि शीतल कूल ठंडा, संतोख संतोख मतलब संतोष कंटेंटमेंट, तो एक ठंडा कंटेंटमेंट जो है उसकी केसर, जो केसर होती है केसर जो हम यूज करते खाने में केसर, तो वो घोली हुई ठंडी ऐसे ना, केसर जनरली ठंडक पहुंचाता है, तो ऐसे ठंडी संतोष की केसर घोली गई है, इसमें प्रेम प्रीत पिचकार रे, मतलब ऐसी घोली हुई जो पिचकारी से हम रंग लगाते, तो रंग जो उड़ाते, तो प्रेम की पिचकारी है ये, तो वो कह रहे कि प्रेम प्रीत की पिचकारी, और इसमें से क्या निकलेगा संतोष, ठंडा संतोष ऐसे, तो सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, भयो मतलब भर गया, भरा अंबर, अंबर मतलब स्काई आसमान, तो गुलाल जब लाल गुलाल उड़ता है तो अंबर पूरा भर जाता है, बरसत रंग अपार रे, और सब रंग बरसते अपार, अपार मतलब अपार मतलब असीमित, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इमेजरेबल लिमिटलेस, रंग बरसते घट के पट, मतलब घट मतलब हृदय दिल, हार्ट के पट, पट मतलब दरवाजा द्वार, तो घट के पट सब खोल दिए हैं, मतलब मैंने दिल के द्वार सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब दार रे, सब लोक लाज को मैंने छोड़ दिया है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मतलब गिरिधर नागर मतलब भगवान कृष्ण, ये मीरा के प्रभु है, चरण कवल बलिहार रे, मतलब कमल मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, कमल मतलब कमल लोटस, तो
लोटस की तरह सॉफ्ट चरण जो है, फीट जो है, पैर है जो प्रभु के, प्रभु गिरिधर नागर के, तो वहां बलिहार रहे। बलिहार करना मतलब निछावर करना, मैंने सब कुछ अपना, मीराबाई कह रही है मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, बलिहार कर दिया। तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रहे। यहाँ हमारी ये जो पद है ये समाप्त होता है। शब्द संपत्ति दी गई है, मीनिंग्स जो हमने ऑलरेडी देख लिए, पर यहाँ पे शब्द संसार में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए पहला है कुल, तो यहाँ जो ये लिखा है ये क्या है, कुल संज्ञा है, ये संज्ञा है, पुल्लिंग है, तो संज्ञा होगा तो उसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग लिखा होगा, तो ये कुल जो है ये पुल्लिंग है। कुल का मतलब हमने देखा था वंश, घराना, है ना, और ये संस्कृत भाषा से इसका ओरिजिन है कुल। ढिग, ढिग था हमने देखा था, पास निकट, उसको ढिग कहते, तो ये हिंदी भाषा का ही शब्द है। और एक वर्ड है जिसका मतलब पास निकट था, नेरी, ये भी इसका मतलब ये पास निकट है ना, लेकिन ये क्या है, नेरी मतलब पास निकट, ये कैसा है, विशेषण की तरह ये लिया गया ये यहाँ पे, है ना। और ये स्त्रीलिंग ही क्या कहा गया, ये स्त्रीलिंग में ही आता है नेरी, और ये भी जो है ये जो है यहाँ पे निकट जो है ये क्रिया की तरह यूज किया, क्रिया विशेषण की तरह, है ना, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, तो क्रिया विशेषण की तरह इसको यूज किया गया पास निकट। तो ढिग क्रिया विशेषण है और ये जो शब्द है ये विशेषण है, स्त्रीलिंग है। फिर ये देखिए मठनिया शब्द था, मठनिया मठनी, दही मठने का साधन, ये शब्द भी संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, हिंदी भाषा से आता है। फिर ये जो देह है ये क्लियर नहीं है, पर शायद ये देहाती भाषा इसका मतलब हो सकता है। तो ये जो भाषा है जैसे रावरी, तो ये रावरी का मतलब है आपकी, तो ये सर्वनाम है ना, प्रोनाउन है आपकी, तो इसका इसका कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये सर्वनाम है। चेरी ये है, इसका मतलब चेली या दासी, तो ये भी संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, हिंदी भाषा से आता है शब्द। नेरी हमने देखा ऑलरेडी, पास निकट, इसका मीनिंग भी वही है। छटीसु, छटीसु ये मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मतलब के बेस्ट, उत्तम, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है ना। कवल मतलब कमल, लोटस, तो ये संज्ञा है और ये पुल्लिंग है। बलिहारना, निछावर करना, क्रिया है, वर्ब है, तो ये हमारा जो है शब्द संसार यहाँ पे दिया गया है। बाकी क्वेश्चंस हम सेपरेटली वीडियो में करेंगे स्वाध्याय। तो यही है, विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.